Evaluate the project. Which project should be selected? Which project should be rejected? That is decided by using this techniques. So now we are on the internal rate of return method. Now see, internal rate of return means we have to assume different rate of returns and we have to find out such a rate of return where present value of future cash flow is exactly equal to the cash outlay, initial investment which we have made in the project. मैथमेटिकल फॉर्मूला के फॉर्म में अगर आपको बताया तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ इनिशियल कैश आउटले मतलब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए किस से जो इनफ्लोज आपको मिलने वाला है कैश फ्लो फर्स्ट ईयर डिस्काउंट करना है इसलिए वन डिवाइडेड बाय कैश फ्लो डिवाइडेड बाय वन प्लस IRR कैश फ्लो ऑफ सेकेंड ईयर डिस्काउंट करना है इसलिए वन प्लस IRR ऑफ सेकेंड ईयर फॉर्मूला बड़े आपको यहाँ पे बड़ी दिख रही हो एक्चुअली इसके लिए आपको इंटरेस्ट फैक्टर टेबल यूज करना है टेबल नंबर 3 जो मैंने आपको दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम क्या करेंगे हमने एक एक्सरसाइज दिया था उसको फिर से रिवाइज करते हैं तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बता देता हूं इस चैप्टर के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था ये रहा एक्सरसाइज मिस्टर जोशी का एक एक्सरसाइज मैंने दिया था जिसमें मिस्टर जोशी के 5 साल के इनफ्लोस दिए आपको देखो 10,000 रुपीज उसको फर्स्ट ईयर में मिल रहा है सेकंड ईयर में 12,000 फिर 15, 10 एंड 7 ये आपको इनफ्लोस दिए है 5 साल के फ्यूचर के कैश इनफ्लोस है इसका इनिशियल आउटले है 40,000 ये हमारा एक्सरसाइज था इसको लेके चलते हैं हम क्या करेंगे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ट्राई करेंगे एज्यूम करना है ट्राई करना है और ऐसा एक रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू इन कैश इनफ्लोस की और इन 40,000 इक्वल हो जाए कैसे होगा समझ लेते हैं पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ लो फर्स्ट ईयर में 10,000 सेकंड ईयर में 12,000 फिर 15, 10 और 7 ये 5 साल का कैश इनफ्लोस है 5 साल का आपको कैश इनफ्लोस यहां पे दिया हुआ है इनिशियल आउटले 40,000 रुपीज का दिया है अब हम प्रोसेस को समझने जा रहे हैं कि हाउ दिस मेथड इज वर्किंग हाउ इट इज ऑपरेटिंग तो मेथड का नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड अब इस फॉर्मूला के फॉर्म में अगर इसको रखें तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका इनिशियल आउटले अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसका इनिशियल आउटले 40,000 रुपीज था जो हमारा 40,000 रुपीज का हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो वो पहले हमने लिख दिया 40,000 ये 40,000 इक्वल होना चाहिए डिस्काउंटेड कैश फ्लोस जो आप फाइंड करोगे उसके टोटल से तो पहले साल का 10 था दूसरे का 12 था फिर तीसरे साल का 15,000 इन सबका टोटल करना है इसलिए सब में देखो प्लस 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 लिखा है 5 साल का इनफ्लो उसको डिस्काउंट करने के लिए क्या करोगे एक रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करोगे जो यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है वो डिसाइड करना है हमें एज्यूम करना है वन प्लस IRR की जगह आप आर भी बोल सकते हो वन प्लस आर फर्स्ट ईयर का वन प्लस आर सेकंड ईयर का वन प्लस आर थर्ड ईयर का और हम ट्रायल और एरर मेथड पे जाएंगे और एक ऐसा रेट डिसाइड करेंगे जहां पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो चलो अलग अलग रेट ट्राई करते हैं तो वी आर बिगिनिंग द प्रोसेस तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 10% तो यहां पे लिखा लेटेस्ट ट्राई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 10% सबसे पहले तो आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो 40,000 है वो लिख देना है तो 40,000 रुपीज आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो आपने लिख दिया है 40,000 कैश इन फिर वो फॉर्मूला पे जाते हैं तो मैंने आपको बताया था 10% वाला आपका जो टेबल नंबर 3 है वो कॉलम देखना है फॉर्मूला के फॉर्म में तो लिख ही देते हैं कोई बात नहीं लिख देना है तो 10,000 उसको आप लोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 10% से फर्स्ट ईयर का
12,000 सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% से सेकंड ईयर का, 15,000 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% से थर्ड ईयर का। ये बताने के लिए है खाली, एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। ओके, अब इसको उसकी वैल्यूज ले लेते हैं। तो 10,000 पहले साल का 909 आएगा। अभी आपको मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, 0.909 कैलकुलेटर भी कर सकते हो। सेकंड ईयर का 0.826 आएगा, थर्ड ईयर का 0.751 आएगा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का 0.683 आएगा, जो उस टेबल में रेडीमेड मिल जाएगा आपको, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे ले लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने से पहले 909 मिल रहा है, फिर 9912, ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल किया तो वो बन रहा है 41,444। अब देखो हमारा पॉइंट क्या था, हमें ऐसा रेट ऑफ रिटर्न ट्राई करना है जहां पे दोनों इक्वल हो जाए। अब ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, हमें 40,000 करना है, पर ये तो 41,444 आ रहा है, तो ये 10% से आंसर नहीं आ रहा है। तो अब दूसरा एक रेट ट्राई करेंगे हम। तो चलो 10% से दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो अब नया रेट ट्राई करेंगे। लेटेस्ट ट्राई IRR एट 15%। अब 15% हम ट्राई करने जा रहे हैं, हम ऐसा एक रेट फाइंड करने जा रहे हैं जहां पे हमारी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। वी हैव टू फाइंड आउट सच अ रेट वेयर दिस वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एग्जैक्टली बिकम टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000, वो हम ट्राई करने जा रहे हैं। चलो फिर से, इनफ्लोस तो दिए 10,000, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% से फर्स्ट ईयर का, 15% से सेकंड ईयर का, वो आपको लिख देना है, जो उस टेबल में 15% वाले कॉलम में रेडीमेड होगा। तो अगर आप वो 15% वाला कॉलम देखते हो टेबल नंबर 3, तो वहां से ये वैल्यूज आपको मिलेगा जो मैंने आपको इंटरेस्ट फैक्टर टेबल शेयर किया है टेबल नंबर 3। उस टेबल के बिना इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा नहीं, वो आपको जेरोक्स साथ में रखना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ऑनलाइन उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उसको बताने जाओगे तो फिर ये मेरा बंद करना पड़ेगा, और दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। सो वो इंटरेस्ट फैक्टर टेबल आपको एक जेरोक्स साथ में रखनी है। तो आप 15% वाला अगर उसमें कॉलम देखोगे तो वहां पे ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी टेबल नंबर 3 में, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनफ्लोस तो क्वेश्चन में दिए ही थे, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बन रहा है 36,841, फिर से इक्वल नहीं हुआ, अभी भी इक्वल नहीं हो रहा है। इसके पहले हमने ट्राई किया था 10%, तो 10% से इक्वल नहीं हुआ। अब हमने ट्राई किया 15%, तो 15% से भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास दो रेट है, एक तो 10% से हमने ट्राई किया तो 41,444 आ रहा था, 15% हमने ट्राई किया तो 36,841 आ रहा था। तो अब हमारा एक आइडिया तो ये है कि हमारा जो आंसर होगा ये दोनों के बीच में होगा। अगर आप मुझे सही से समझ रहे हो तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने दो रेट ट्राई किए और दोनों रेट से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, 40,000 आंसर नहीं आ रहा है। तब हो क्या सकता है, इन दोनों के बीच में ही होगा आंसर। क्यों इन दोनों के बीच में होगा, तो उसका रीजन ये है कि हमारे पास दो वैल्यूज है। मैं यहां पे आपको बताता हूं, आपने 10% से ट्राई किया अभी,
तो 10% से ट्राई करने के वजह से आपका जो आंसर आ रहा था, तो वो आंसर आपका 10% से आ रहा था 41,444। आपने 15% ट्राई किया, तो 15% से आपका आंसर बन रहा था 36,841, जो अभी हमने ट्राई किया। किसका आंसर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अब हमें चाहिए कितना? तो हमें 10,000, हमें 40,000 चाहिए, तो 40,000 कहाँ पे होगा? इन दोनों के बीच में ही होगा, तो वो 40,000 इन दोनों के बीच में होगी वो वैल्यू, ये डैम श्योर है। पर हमें ये भी यहाँ ये डिसाइड करना है कि वो परसेंटेज क्या हो गया, वो कौन से परसेंटेज हो गए, तो 10 या 15 के बीच वाले परसेंटेज हो गए जहां पे 40,000 आएगा। तो अब इसको हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक वर्किंग दिया हुआ है, आप देख लो। 10% के हिसाब से 41,444 आ रहा है, 15% के हिसाब से 36,841 आ रहा है। ये 2% का डिफरेंस है 5, और ये 2 वैल्यू का डिफरेंस है 4,630। ओके, एक पॉइंट ये है। अब बाजू वाला टेबल देखते हैं। 10% के हिसाब से आंसर आ रहा था 41,444। हमें 40,000 की वैल्यू चाहिए, तो 40,000 की वैल्यू का वो परसेंटेज क्या होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो इस तरीके से बनेगा। अब देखो, 10% को आप 0.10 बोलोगे और 5% को आप 0.05 बोलोगे, क्योंकि इट इज ऑन 1, 10% ऑफ 1, 5% ऑफ 1, इसलिए समझने का ट्राई करो इसको। यहां पे जो बताया है वो दस परसेंटेज से आंसर आ रहा है 41,444, 15% से आंसर आ रहा है 36,841। अब मैं डिफरेंस बता रहा हूं। 10% से 41,444 है और 15% से 36,841 है, तो डिफरेंस इन दोनों वैल्यू का आ रहा है 4,630, और ये दोनों का डिफरेंस 10 और 15 का 0.5 है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही टेबल में बताया था। वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में बताई है, और कुछ नया नहीं बताया है। तो अब हमारा स्टेप क्या बनेगा? बहुत सा सिंपल सा स्टेप्स बनेगा। सिंपल से स्टेप से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप आपका ऐसा बन रहा है कि 0.5, मतलब 5% से टोटल डिफरेंस 4,603 आ रहा है, तो हमें जो वैल्यू चाहिए 1,440, जो हमारी कम पड़ रही है, क्योंकि 41 तो आ गया है 10%, हमें 40 चाहिए, तो उसके लिए वो परसेंटेज क्या होगा? तो यहां पे मैं आपको बता सकता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं क्रॉस मल्टी। चार हजार 603 की वैल्यू आ रही है बिकॉज ऑफ 5% डिफरेंस, जो उसके एग्जैक्टली ऊपर वाले टेबल में आपको दिख रहा है। अब हमें 40,000 चाहिए और 10% के हिसाब से 41,444 तो आ ही रहा है, तो अब मुझे ये बताना है कि 1,440 के लिए कितने परसेंटेज मुझे चाहिए? व्हाट परसेंटेज आई नीड? व्हाट आई विल डू? आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 1,444। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5%, मतलब 0.5, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय
This will be divided by the value which we already have. कौन सी वैल्यू है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? 4630 4603। ये मैंने आपको सिंपल सा इसका स्टेप्स बताया कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू निकलती है। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया 144 × 0.5 / 463, वही चीज तो ये यहाँ पे बताइए, ये रहा देखो 144 × 0.05 / 4603, तो आपको वो रेट मिल जाएगा। तो वो रेट आ रहा है यहाँ पे 0.0157 0.0157। इसका आंसर आपका आ रहा है 0.0157। ये आंसर आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसको 10% में ऐड कर दो। अच्छा, इसको परसेंटेज में अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो बोल सकता हूँ 1.57 में बोल सकते, इसको 1.57% में बोल सकता हूँ अगर परसेंटेज में बोलना है तो, फ्रैक्शन में बोलना है तो 0.0157 बोलना है। तो 10% के हिसाब से 41 है, और ये डिफरेंस वाली जो हमारी अमाउंट है वो आ गई हमारी, उसका परसेंटेज ये मिल गया 1.57। तो अब इन दोनों को आप मर्ज कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा 11.57। तो 11.57 हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जहां पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टोटल फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू 40,000। ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। इस मेथड में आपको एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, जैसे पे यहाँ पे हमने 11.57 फाइंड किया, इस तरीके से रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है जहां पे आपका इनिशियल कैश आउटले इक्वल होता है, इक्वेट होता है विद द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लोस। मेथड थोड़ा लेंदी है, बट दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल। Now, coming to the last point of this chapter, and that is the profitability index. But before that, here one question is asked based on the IRR. The management of J firm, Joshi firm, has determined that the hurdle rate is 13% for the project. मतलब उनका 13% का IRR एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है। तो क्या इनको ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए? 13% उन्होंने सिलेक्ट किया है। अब आंसर क्या आ रहा है? 11.57। तो नाउ एक्सपेक्टेशन 13% का है, जिसको हर्डल रेट बोला जाता है, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड भी बोला जा सकता है, और एक्चुअली यहाँ पे आ क्या रहा है, 11.57 आ रहा है जो कम है। तो इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, दे विल नॉट सिलेक्ट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज एट 11.57 द रिटर्न इज लेस। तो जेएफ विल रिसीव 11.57 फॉर ईच डॉलर इन्वेस्टेड और ईच रुपीज इन्वेस्टेड, हम रुपीज समझ सकते हैं, इन दिस प्रोजेक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 13%। IRR इज लेस देन द हर्डल रेट, या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो, सो दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी सिलेक्टेड। नाउ द लास्ट मेथड इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दिस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज टोटली बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? आपने जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फाइंड किया है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब इनिशियल कैश आउटले उसका रेशियो है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय
dividing total present value of cash flow with the total present value of cash outlay, that is initial cash outlay. फॉर्मूला को मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे. अब इन्होंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है. मान लो कि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 38,572 आ रहा है और आउटले आपका 40 है, क्या प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए? तो आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.9643. तो शुड दिस प्रोजेक्ट सिलेक्टेड? नो, प्रोजेक्ट शुड नॉट बी सिलेक्टेड, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर 1 हो तो ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए. सो द पी आई इज लेस देन 1 एंड दिस मीन्स दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल, सो इट शुड बी रिजेक्टेड. तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अभी हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड देखा था, उससे भी मैं आपको बताते आता हूँ. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फिर से एक बार समझ सकते हैं आप. जैसे ये अभी हमने एक एक्सरसाइज लिया था नेट प्रेजेंट वैल्यू का, तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रहा था 2,72,490. इसको आप डिवाइड कर दो 2,50,000 से. अगर 1 से कम आता है तो रिजेक्ट करो, 1 से ज्यादा आता है तो सिलेक्ट करो. प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना या ना ना करना, दैट डिसाइडेड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो 2,72,490 को आप डिवाइड कर दो इनिशियल कैश आउटले से 2,50,000 से, तो आंसर आएगा 1.08. सो दिस प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से भी सिलेक्ट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से भी, आंसर वही आ रहा है कि प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड. बोथ मेथड से वही आंसर आएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल बजटिंग टेक्निक. मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर करने का ट्राई किया है. No doubt, chapter is difficult to understand, but you have to practice. तो अभी जो मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात कही, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटले.
इसका डिसीजन रूल क्या है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, लेस देन वन है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए याद रखना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में मैंने आपको अभी बताया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां पे आपका इनिशियल कैश आउटले एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमारा डिसीजन क्राइटेरिया क्या था, तो इफ IRR इज ग्रेटर देन द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, जिसे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, अगर कम आ रहा है तो रिजेक्ट करना है। जैसे कि अभी हमने एक एक्सरसाइज किया था, वहां पे उनका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 13% था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% था, जिसको हर्डल रेट कहा जाता है, और आंसर हमारा आ रहा था 11.57, कम आ रहा था तो हमने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया था। तो इफ IRR इज लेस देन रिक्वायर रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ये रूल याद रखना, दिस विल बी आस्क्ड इन MCQ। तो IRR का आपको रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का रूल बताया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट का रूल बताया, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, नेगेटिव है तो रिजेक्ट करना है, या तो लेस देन जीरो है तो रिजेक्ट करना है। सो व्हेन नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव सिलेक्ट, नेगेटिव रिजेक्ट। ये हो गया। सारी मेथड्स के आपको मैं रूल्स बता रहा हूँ। अच्छा, पेबैक पीरियड मेथड जो हमने बहुत बिगिनिंग में बताया, तो मैंने उसमें आपको बताया था हमें वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिसका पेबैक पीरियड अर्लियर हो। अच्छा, कोई पेबैक पीरियड उन्होंने आपने फिक्स कर लिया है, अगर उतना आता है तो सिलेक्ट करो, उससे कम आता है तो सिलेक्ट करना अच्छी बात है, पर ज्यादा आता है तो रिजेक्ट करना है। जैसे कि मान लो हमें ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें 10 साल में हमारी अमाउंट रिकवर हो जाए, अब आपने कैलकुलेशन किया और आंसर आ रहा है 10 साल, तो सिलेक्ट करो, या तो 9 ईयर्स आया, सिलेक्ट करो, जल्दी पैसा कवर हो रहा है। पर आपने सिलेक्ट किया जो प्रोजेक्ट, उसमें पेबैक पीरियड 12 साल आ रहा है तो रिजेक्ट करना है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन 10 ईयर्स का है और वहां 12 साल है, तो उसको रिजेक्ट करना है। तो ये पेबैक पीरियड की बात हो गई। So with this, we end today's lecture here. Next Saturday, we will meet with a new topic. Till now, in the financial management, our unit number 3 is over. Unit 3 हमारा खत्म हो चुका है। कॉस्टिंग के अंदर यूनिट नंबर 3 में अभी भी हमारे 2 चैप्टर बाकी है। यूनिट 3 ऑफ द कॉस्टिंग इज वेरी बिग, जिसमें मैंने आपको यूनिट कॉस्टिंग पढ़ाया, जिसे कॉस्ट शीट कहा जाता है, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग हमने कवर किया आज, अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग उसमें बाकी है और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो अभी 2 चैप्टर यूनिट 3 में कॉस्टिंग में बाकी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका यूनिट 3 तक का जो भी सिलेबस था वो कवर किया है। आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करते रहो। ये सेशन में बहुत सारे चैप्टर्स है, अगर आप डिले करोगे तो फिर रिजल्ट भी डिले होगा, और अभी कर लोगे तो आपके माइंड में प्रेस होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। ओके So with this, we end this meeting on the next Saturday. Thank you.